बहुत कीमती जानवर हैं, लाखों रुपए में ख़रीदे जाते हैं, लेकिन एहतियात नहीं बरती जाती। जब हम इन्हें लोड करते हैं तो उस वक्त भी इन्हें बेदर्दी के साथ चढ़ाया जाता है, जिससे इनकी टांग पे भी ज़ख़म आ जाते हैं। फिर जब इन्हें उतारा जाता है तो इन्हें वहाँ कोई बाकायदा रैंप नहीं होता या कच्ची मिट्टी नहीं होती, तो इसे एक मजदा में से उतारने के लिए जंप कराया जाता है। अब 10 मन का जानवर, 15 मन का, 20 मन का इतना भारी जानवर मजदा पे से जिस वक्त जंप करता है तो उसे या तो ज़ख़म आ जाता है, अल्लाह ना करे बाज़ों का टांग भी टूट जाती है और वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं रहता। मेरी ये दरख्वास्त है कि जब आप लाखों रुपए का जानवर ख़रीद रहे हैं तो उसकी लोडिंग, उसकी ऑफ लोडिंग और साथ साथ उसके चारे का भी ख्याल रखें। जब जानवर यहाँ से हम लेके जाते हैं अपने घर पे, लोग पहले ख़रीद लेते हैं, एक एक महीना पहले ख़रीद लेते हैं, तो जानवर चूँकि उनको आदत ही नहीं होती जानवर पालने की, और जानवर भी वहाँ अकेला होता है, मज़ीद जानवर नहीं होते, तो लिया था 20 मन का जानवर और पता चला एक महीने में वो रह गया 15 मन का। तो इसमें आपका कसूर है कि आप उसकी सही निगहदाश्त नहीं कर सके।